नमस्कार, मैं हूं भूपेन पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। सबसे पहले तो आज आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद है कल आपको आलू की निकासी की रिपोर्ट जो है आप सभी को मिल गई होगी। और बात करते हैं आलू के भाव की, और आज मंडियां ज़्यादातर बहुत जगह सेम रही हैं और कुछ जगह पे मंडियां बढ़ी भी हैं। तो आज सबसे पहले उन मंडियों की बात करूंगा कि जो मंडियां लगातार छूट रही थी, किन्हीं कारणवश उनका भाव नहीं मिल पाया था मुझे, तो उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बाराबंकी की बात करते हैं आज। तो बाराबंकी से भाव मिला है आज 2550 रुपये प्रति क्विंटल सिंधूरी आलू, जो वहां पे राजेंद्र वन के नाम से भी जाना जाता है। तो 2550 रुपये प्रति क्विंटल, और ये इन्होंने बिल टिकट बताया है कि 2550 रुपये बिल टिकट। अब कुछ लोग बिल टिकट को नहीं समझेंगे, बिल टिकट होता क्या है, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल टिकट क्या होता है। बिल टिकट ये होता है कि जब कोई आलू, जब कहीं से कोई माल मंगाता है और उसको मतलब सारे खर्चे लगा के आपने ट्रक पे माल लोड कर दिया, वहां तक के खर्चे सारे उसमें लगा दिए जाते हैं, और एक बिल्टी आपको बना दी, मतलब बिल्टी बन गई, वो बिल्टी आपको छुड़ानी है, तो आपको वहां पे खाली ट्रक का भाड़ा देना है। ट्रक का भाड़ा जो है वो आपसे लगेगा, और बाकी खर्चे जो है इसमें ऐड हो गए हैं, जो आलू के खर्चा मतलब 2550 रुपये में बाकी सारे खर्चे ऐड हो गए हैं, मतलब 2550 में आपको लदी लदाई गाड़ी मिलेगी, जिसको बोलते हैं बिल टिकट। तो ये भाई साहब ने बिल टिकट दिया था, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि बिल टिकट होता क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा बिल टिकट क्या होता है, जो व्यापार करते हैं उनको तो सबको बताया कि बिल टिकट क्या होता है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड रुद्रपुर की। तो 3797 आलू वहां पे बिका है 2200 से लेके 2300 रुपया कुंतल, और चिप्सोना बिका है 2300 से 2400 रुपया कुंतल, और ख्याति पुखराज आपके बिके हैं 2100 से 2200 रुपया कुंतल। और प्याज का रेट बढ़ा है, यहाँ पे प्याज का रेट बताया गया है 1200 से लेके 1250 और 1300 रुपये कुंतल भी बिका है। और इलाहाबाद की बात करते हैं, तो इलाहाबाद में G4 आलू जो है बिका है 2700 से लेकर 2800 रुपया कुंतल, और गोला आलू जो वहां पे बाकी जो है गोल आलू जो है सब G4 के अलावा सब गोल आलू काउंट होता है, तो गोल आलू जो है जो हाइब्रिड आलू जो आपके हैं ख्याति पुखराज वगैरह या जो भी ऐसे 3797 302 वगैरह जो जाते हैं, गोला आलू वहां पे मतलब उसको काउंट करते हैं वो, तो गोला आलू बिका है 2200 से 2400 रुपया कुंतल। और गोल में लाल जैसे हमारा मतलब ये होता है आपका C40 भी लाल होता है, और लाल गुलाल भी लाल होता है, और इसमें और भी आलू कंचन कुफरी वगैरह लाल होते हैं, तो वो मतलब जो लाल आलू गोल है वो तो आपका बिका है 2400 से लेके 2500 रुपया कुंतल, और हाईलैंड बिका है 2600 से लेके 2700 रुपया कुंतल। और अब बात करेंगे फर्रुखाबाद की। तो फर्रुखाबाद में भाव आज सेम ही रहे हैं, वही ख्याति पुखराज आपका 1050 से लेके 1100 रुपया पैकेट, और 3797 1100 से लेके 1150 रुपया पैकेट, चिप्सोना 1150 से लेके 1200 रुपया पैकेट, और हाईलैंड जो है वो 1200 1250 से लेके 1325 रुपया 1350 रुपया पैकेट भी कुछ मतलब बढ़िया आलू बिका है। और ये भाव अच्छे और खराब के हिसाब से थोड़े से अप डाउन भी हो सकते हैं। बात करते हैं कन्नौज की। तो कन्नौज में चिप्सोना बिका है आपका 1050 से लेके 1100 रुपये सॉरी 1050 से लेके 1100 रुपये पैकेट, और हाईलैंड बिका है 1250 से लेके 1300 रुपये पैकेट, कोल्ड भाड़ा जो है इसमें एक्स्ट्रा दे होगा। कानपुर में भाव बढ़े हैं, क्योंकि कानपुर में आज आमदनी जो रही है वो कम आमदनी रही है। अभी सोमवार को आमदनी थी वहां पे 65 से 70 गाड़ी की आमदनी थी, और आज आमदनी बताई गई है 15 से 17 गाड़ी खाली, तो इसीलिए वहां पे भाव आज बढ़े हैं। आज आलू बिका है वहां पे ख्याति पुखराज 900 से लेके 1250 और कुछ 30-35 रुपए तक भी बिके हैं, 900 से लेके 1250 रुपया मन, और अच्छे आलू 30-35 रुपए भी मतलब 930-935 भी चले गए। और वही 3797 आपका 925 से लेके 940 रुपए मन तक बिका है। चिप्सोना आपका बिका है 1000 से लेके 1100 रुपया मन, और सिंदूरी और हाईलैंड बिका है आपका 1080 से लेके 1100 रुपया मन। तो और प्याज
का भाव यहाँ पे नहीं बढ़ा है, यहाँ पे भाव प्याज का वही 400-450 है, और बहुत बढ़िया प्याज जो है वो 450 रुपया मन है, और मन यहाँ पे जो है 40 किलो का होता है, और तो ये भाव जो मैंने बताए हैं वो 40 किलो के भाव हैं। बनारस की मंडी वही सेम ही है लगभग, ख्याति पुखराज आपके बिके 2300 से 2350 रुपया। इसमें हाइब्रिड आलू भी, मतलब ख्याति पुखराज के साथ में जो और हाइब्रिड आलू है वो भी शामिल है, 2300 से 2350 रुपया कुंतल, और 3797 जो है वो 2400 से 2450 रुपया कुंतल। हाईलैंड बिका है 2600 से 2700 रुपया कुंतल। आगरा, आगरा में 1100 से 1200 रुपया आमतौर पे भाव है, और जो बढ़िया आलू है चंबल वाला वो जो है 1200 से 1250, और जो बहुत बढ़िया आलू जो एक्स्ट्रा सुपर में जो 1300 रुपये भी कुछ एक आलू बिके हैं, 1300 रुपये पैकेट, और आमतौर पे भाव वो वही रहा है 1100 से 1200, और चंबल वाला जो है 1200 से 1250 रुपया। गुल्ला बिका है 950 से लेके 1050, और गुल्ली बिकी है 800 से लेके 950 रुपया पैकेट। और अब बात करते हैं संबल का, तो आज भाव नहीं मिला है, तो वही पुखराज 2100 से, ज्यादातर मंडियां सेम ही रही हैं, तो कल का जो परसों का भाव है वो यही है कि 2100 से 2150 रुपया पुखराज था, चिपसोना 2200 से 2400 रुपया था, और 3797 जो है 2150 से 2200 रुपया था, 2200, और सूर्या था 2300 से 2500 रुपया कुंतल था। तो आज शायद कुछ चेंज हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आज चेंज हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह मंडियां सेम ही हैं, और दिल्ली का भाव आज बढ़ा है थोड़ा सा, दिल्ली में 3797 आलू रहा है 1200 से लेके 1300 रुपया पैकेट, और सूर्या भी बढ़ा है, सूर्या रहा 1400 से लेके 1450 रुपया पैकेट, और चिप्सोना रहा है 1300 से लेके 1350 रुपया पैकेट। और पंजाब में रोज आलू नहीं घटते बढ़ते हैं, वही भाव है, ज्योति आपका 1050 से लेके 1100 रुपया पैकेट, और डायमंड है 1100 से लेके 1150 रुपया पैकेट। और कमेंट में कुछ बताया जा रहा है कि भाव जो है 1150 के ऊपर भी बताया जा रहा है, तो कुछ अच्छे आलू देखो, मतलब अगर 1150 रुपया अगर बिक रहा है तो अच्छा बहुत बढ़िया आलू होगा, तो 1200 रुपये भी बिक जाएगा, और अगर शुगर फ्री होगा अगर इसमें, तो शुगर फ्री में 100 रुपये ऐड हो जाते हैं, क्योंकि शुगर फ्री कोल्ड का भाड़ा ही ज्यादा होता है, 1150 रुपये अगर बिक रहा है आमतौर पर आलू, तो शुगर फ्री अगर होगा तो वो 1250 का हो गया। तो जयपुर का भी भाव आज ताजा भाव नहीं मिला है, लेकिन पहले वाला भाव वही है, 1600 से 1700 से लेके 2200 रुपये तक का है भाव। और गुजरात में भाव में आज कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, पुखराज रहा है आपका 400 से 430 रुपया मन 20 किलो, और बादशाह रहा है 440 रुपये से 480 रुपया मन 20 किलो। इंदौर की मंडी में भी कोई चेंज नहीं है, इंदौर की मंडी तो आज बंद है, और ये कोल्ड का भाव है, कोल्ड से भाव मिला है, तो कोल्ड का भाव वही सेम है 1800 से लेके, एलआर आलू जो है 1800 से लेके 1950 रुपया कुंतल, और ज्योति आपका 1900 से लेके 2000 रुपया कुंतल, और लाकर आपका 2000 से लेके 2200 रुपया कुंतल। मुंबई में भी आज कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मुंबई में वही आलू सेम भाव रहा है 3797 जो आपका 2200 से लेके 2300 रुपया कुंतल मीडियम आलू, और बढ़िया आलू 2400 से लेके 2600 रुपया कुंतल रहा है। बिहार के उसमें भी भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा है, समस्तीपुर में सीचाली जो है 2500 से 2600 रुपया कुंतल, बढ़िया आलू 2650 रुपया कुंतल, और गुलाब बाग में हाईलैंड जो है वो आपका 2450 रुपये से लेके 2500 रुपया कुंतल, और हाईलैंड S16 वो 2500 से लेके 2600 रुपया कुंतल बिका है। वेस्ट बंगाल में भी भाव में आज कोई फर्क नहीं पड़ा है, और कहीं पे 2-4-5 रुपया ऊपर रहा है, और कहीं पे 2-4-5 रुपया डाउन रहा है, ज्यादातर जो है 2-4-5 रुपये कमी है, तो जो सिंगूर में रहा है 1190 से 1200 रुपया पैकेट, बोईची में 1120 से 1180 रुपया पैकेट, बर्धमान में 1170 रुपये से लेके 1180 रुपये पैकेट, और खिरपई पश्चिम मेदिनीपुर 1110 रुपये से लेके 1120 रुपया पैकेट, गढ़ और सीके रोड पश्चिम मेदिनीपुर 2440 रुपये से 2250 रुपया कुंतल, और बंकुरा में 2225 रुपये से लेके 2230 रुपया कुंतल। तो
ये काफी जगह के भाव वही हैं और काफी जगह के भाव बदले हैं, जिसमें ज्यादातर जो है वो दिल्ली के भाव में चेंजेस हुआ है और आपका कानपुर के भाव में चेंजेस हुआ है, और बाकी जगह के भाव जो है लगभग वही हैं जो पिछले दिन 10 तारीख को बताए थे, वही भाव हैं। और तो ये थे जो भाव हमें अभी तक मिले थे, और बाकी आप लोग जो है कमेंट में अपने यहाँ की मंडियों का भाव जरूर बताना। धन्यवाद।